अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस ऑफ वेक्टर सबस्पेस, यानी कि क्वेश्चन किस तरह हमारे पास वेक्टर सबस्पेस के अपेयर हो सकते हैं या आ सकते हैं, इनका तस्करा आज के इस लेक्चर में हम करेंगे। देखें डियर स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन है, लेट, ये हमें क्वेश्चन गिवन है, लेट द वेक्टर स्पेस आर स्केयर ओवर आर, यानी अब आर स्केयर, इसको सॉरी आपने स्केयर नहीं पढ़ना, आर टू ओवर आर, यानी टू डिमेंशनल सेट ऑफ रियल नंबर है, जिसको आप ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी कहते हैं। आप यूँ कह लें कि ये आपके पास ऑर्डर पेयर की फॉर्म में एक नंबर्स की पोजीशन है, यानी कि एक वेक्टर स्पेस है, और उसका सबसेट लिया हुआ है डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू, ये अलग है और ये अलग है, यानी आपने इसको सेपरेटली वेक्टर सबस्पेस शो करवाना है और इसको अलहदा से वेक्टर सबस्पेस शो करवाना है। आपको ये कहा गया कि डब्ल्यू वन है ए ज़ीरो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्या ये वेक्टर सबस्पेस होगा या नहीं। सिमिलरली आपने इसके बारे में बताना है, क्या ये वेक्टर सबस्पेस होगा या नहीं, किसका, आर टू का। पहले तो आपको सवाल की नौीयत को समझना चाहिए, सवाल में कहा क्या जा रहा है। देखिए स्टूडेंट, आपको बेसिकली ये कहा जा रहा है, मैं आपको यहाँ पे सेपरेटली पेज पे समझाता हूँ, आपसे जो डिमांड की गई है, आपसे जो पूछा गया है, वो ये कहा गया है कि कोई आपके पास वेक्टर स्पेस है टू डायमेंशनल, आपको एक सबसेट गिवन है ए ज़ीरो की फॉर्म में जनरल, ठीक है, आपने शो करवाना है क्या ये वेक्टर सबस्पेस है या नहीं। अब पहले तो आप इसकी नौीयत के बारे में समझें। सिमिलरली आपके पास दूसरा सेट ये गिवन है, दूसरा सबसेट ज़ीरो भी, ठीक है, आपको ये भी कहा गया, क्या बताएं ये वेक्टर सबस्पेस है या नहीं। मैं एक करवा देता हूँ, ये इसको आप खुद कीजिएगा। सिमिलरली सेम पैटर्न है, सेम तरीकाकार है। अच्छा, पहले तो आप समझ लें इसका मतलब क्या है, इस ऑर्डर पेयर का। इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट कि आपने जब इसको वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है, जो भी एलिमेंट लेना है, पहले तो आपने इस तरह लेना है कि यहाँ पर कोई सा एलिमेंट हो, कोई सा एलिमेंट, और दूसरा ऑर्डर पेयर का जो डिजिट है वो आपके पास ज़ीरो होना चाहिए। फिर जो उनका रिज़ल्ट आए, जो मर्ज़ी रिज़ल्ट आए, उसके जवाब में यहाँ पर तो कोई सा एलिमेंट हो सकता है, अल्फ़ा प्लस बीटा भी हो सकता है, कुछ भी, लेकिन जो दूसरा ऑर्डर पेयर है वो आपके पास ज़ीरो होना चाहिए। अगर तो इसी तरह ये होल्ड करता जाएगा, तब आप कहेंगे कि ये वेक्टर सबस्पेस है। मेरी बात समझ आ गई आपको या नहीं समझ आई डियर स्टूडेंट्स? मैं अगेन रिपीट करता हूँ, बात करने का मतलब ये है कि जब आपको ये डब्ल्यू वन इन जनरल गिवन है ना, इसका मतलब ये है कि आपने कोई से भी जो इसमें से एलिमेंट्स लेने हैं ना, कोई से भी एलिमेंट, वो आपने इस फॉर्म में लेना है। सपोज दैट आप कहते हैं एक्स और ज़ीरो, ठीक है, यहाँ पे ज़ीरो हमेशा आएगा, यहाँ पे कोई सा एलिमेंट ले लेंगे, और दूसरा आप ले लेते हैं, मैं आपको क्लोजर प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल आपके पास, हम कहते हैं कि हमारा इसका पहला सबसेट है डब्ल्यू वन, हम इसको डब्ल्यू वन प्राइम का इससे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, दूसरा इसका सबसेट ले लेते हैं डब्ल्यू टू प्राइम, वो हम कह लेते हैं वाई ज़ीरो। हम देखना चाहते हैं क्या क्लोजर प्रॉपर्टीज़ पर होल्ड करती है या नहीं करती। आप क्या करवाएँगे, यही है ना, डब्ल्यू वन प्राइम प्लस डब्ल्यू टू प्राइम, ये किस में बिलोंग करना चाहिए, डब्ल्यू वन में, यानी इसमें जाना चाहिए ना। अगर आप इसको वेक्टर सबस्पेस प्रूफ करवाना चाहते हैं तो आप इस पर ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करवाएंगे ना, अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप, लेकिन क्योंकि आपने इससे पहले दो थ्योरम्स भी पढ़े हैं, आप वो थ्योरम यूज़ करके भी इसको वेक्टर सबस्पेस प्रूफ करवा सकते हैं। मैं आपको एक जनरल बता रहा हूँ कि इस पर सम का मतलब क्या होगा, इस पर ऑपरेशन का मतलब क्या होगा, इस सेट पर जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, देखें इनको और इनको, तो पहले ऑर्डर पर आपके पास ऐड हो जाएंगे, एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और ये ज़ीरो प्लस ज़ीरो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो देखिए आपका ऑर्डर पेयर सेम इसी जैसा आया है, तो आप कह देंगे कि ये क्लोज्ड है। मतलब ये है कि पहले पर आपका कोई सा आंसर होना चाहिए, दूसरा आपका ज़ीरो होना चाहिए। इस तरह आपने लेकर इस सेट को, यानी कि डब्ल्यू वन इज इक्वल टू ए ज़ीरो को वैक्टर सबस्पेस प्रूफ करवाना है आर टू का। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। चलें अब हम इसके सोल्यूशन को देखते हैं। देखिए हमारे पास सोल्यूशन क्या है, हमें ये कहा गया है कि वी हैव टू शो दैट डब्ल्यू वन इज़ अ वेक्टर सबस्पेस ऑफ आर टू ओवर आर। अब आपको डब्ल्यू वन की जहाँ पे डेफिनेशन बताई गई है कि डब्ल्यू वन हमारे पास इस फॉर्म में है, जो कि ऊपर भी कहा गया है। अब हम थ्योरम यूज़ करेंगे, हमने लास्ट टाइम एक कोरोलरी या थ्योरम पढ़ा था, हमने ये देखा था कि अगर
अल्फा बीटा कोई फील्ड के एलिमेंट हो, और जिस तरह अब ये W सबसेट है ना वेक्टर स्पेस जिसको प्रूव करवाना है, इसके कोई से दो एलिमेंट ले लें आप एक्स वाई, अगर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग कर जाए W में, यानी इस तरह का आंसर आए, यानी इस टाइप का आंसर आए, पहले पर कोई आंसर हो दूसरा जीरो हो, तो आप डायरेक्टली कह दीजिएगा कि आपका जो W1 है वो वेक्टर सबस्पेस है, यानी वो जो आपने 9 प्रॉपर्टीज़ होल्ड करवानी है वो आपने यहाँ पर होल्ड नहीं करवानी। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। ओके डियर स्टूडेंट, हमारे पास इसकी थोड़ी सी काफ़ी ज़्यादा ये वेटेज लिख रहा है तो उसमें इशू हो रहा है, तो मैं इसको रेज कर रहा हूँ। अब देखें, आपने वही थ्योरम यूज़ करना है, लेट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू वन, देन वी हैव टू शो दैट अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू वन। अब ये जो अल्फ़ा बीटा है ये कहाँ से होंगे, आपके पास फील्ड से होंगे। अब देखें, अब आपने जो नंबर लेने हैं वो इस फॉर्म में लेने हैं, ठीक है। हमारे पास x क्या आ गया a10 और y क्या आ गया a20। अब हमने करना क्या है, हमने वो अल्फ़ा लिया और बीटा लिया, और नाउ कंसीडर दैट अल्फ़ा x प्लस बीटा y इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू a10 प्लस बीटा a20। पहले अल्फ़ा बीटा को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, जैसे जीरो से मल्टीप्लाई हो गया ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। अब जब आप इसको ऐड करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड होता है और सेकंड एलिमेंट सेकंड में ऐड होता है, तो देखिए ये आपके पास कोई सा नंबर बन गया, कोई सा भी नंबर बन गया, और ये आपके पास क्या आ गया जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका बेसिक जो है ये बिलोंग कर गया है W1 में, यानी इस तरह का एलिमेंट आ गया A0 के फॉर्म में। A का मतलब ये यहाँ पर कोई सा डिजिट हो, कोई सा एलिमेंट हो, यहाँ पर जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब ये क्लियरली हो गया कि ये प्रॉपर्टी होल्ड कर गई है, अल्फ़ा W1 या अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई जो है वो बिलोंग कर गए W में, विच शोज दैट W1 इज़ अ वेक्टर सबस्पेस। इतना सा आपने काम करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट। आगे आपके पास एज अल्फ़ा बीटा ये अब आपके पास प्रॉपर्टी होल्ड करवा देगी, आप यहाँ तक करके भी इसको छोड़ सकते हैं, विच शोज दैट W1 इज़ वेक्टर सबस्पेस। अब अगला जो है पोर्शन उसको आपने खुद देखना है, मैं आपको वैसे एक दफ़ा ओवरव्यू करवा देता हूँ। इसको भी वैसे आपने करना है, आपने यहाँ पे M1 W X ये आपकी अपनी नोटेशन होती है, ठीक है। अब यहाँ पर उसने कह दिया कि M1 M2 जो है वो W के सबसेट हैं या W के दो एलिमेंट्स हैं, उनको इस फॉर्म में लिया, जब उन पर भी वही ऑपरेशन अप्लाई करवाया तो आपके पास इसमें भी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में जो जवाब आएगा वो जीरो और समथिंग की फॉर्म में आएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास जो जवाब आया है वो आया है जीरो अल्फ़ा B1 प्लस बीटा B2 की फॉर्म में, विच बिलोंग्स टू W2, विच शोज दैट W2 इज़ अ वेक्टर सबस्पेस। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आई होगी, यानी इस तरह से रिलेटेड कोई भी आपके पास क्वेश्चन आ जाता है वेक्टर सबस्पेस का कोई भी, कि मिसाल के तौर पर आपको ये आ जाता है कि शो दैट AB0 इज़ अ वेक्टर सबस्पेस ऑफ, ये कोई आपके पास W है, इज वेक्टर सबस्पेस ऑफ R3 ओवर R। अब R3 का मतलब क्या है, ये ऑर्डर ट्रिपल की फॉर्म में, दो एलिमेंट्स नहीं है, तो इसका मतलब कैसे आपने प्रूव करवाना होगा, आपने ये देखना होगा कि आप इस पर पहले वो क्रोरी इस्तेमाल करवाएंगे, क्या इस्तेमाल है, अल्फ़ा W1 प्लस बीटा W2 बिलोंग करना चाहिए W में। अगर तो ये बिलोंग कर गए W में तो आप कह देंगे कि ये आपके पास वेक्टर सबस्पेस है। तो आपने इस पर ऑपरेशन कैसे अप्लाई करवाना है डियर स्टूडेंट, आपने जो भी एलिमेंट लेना है, फॉर एग्जांपल W1 किस तरह लेंगे आप A1 B1 और 0, ठीक है, और सिमिलरली W2 कैसे लेंगे, A2 B2 और 0। अब जब आप इनको ऐड करवाएंगे, ये इसमें ऐड होगा, ये इसमें ऐड होगा, ये जीरो, तो जवाब इसी फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि जब आप इसको अल्फ़ा से और इसको बीटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जवाब इसी तरह का आपके पास आ जाएगा, आप कहेंगे कि आपका जो W है वो वेक्टर सबस्पेस है, ठीक है। सिमिलरली कुछ भी सवाल आ सकता है, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई इशू हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0304-22-91-893 पर रابطہ कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।